हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी किसी भी वाक्य के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में टेंस पहचान के चार सूत्र को पढ़ा होगा, तो अब टेंस पहचान तो आपको आ गया, तो अब जो भी सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेज में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य की रचना कैसे करेंगे, वाक्य का जो स्वरूप है वो कैसे बनेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और वाक्य जो है मुख्य रूप से तीन चीजों से मिल करके बना होता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है और कर्म होता है। इन्हीं को आज आपको समझना है और विस्तार से समझना है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, कर्ता लिखा हुआ है, कर्ता में 13 कर्ता होते हैं। तो इनके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले आप यह समझिए कि जो कर्ता होते हैं, ये कर्ता संख्या में 13 क्यों है, पहले ये समझिए, ये संख्या में 13 लोग क्यों हैं, इसका कारण समझिए। इसमें हमने 7 लोगों को एक तरफ रखा है, 6 लोगों को एक तरफ रखा है, जिसमें बात ये थी कि जैसे मान लीजिए ही हुआ, सी हुआ और इट हुआ, या किसी का नाम हुआ, किसी का नाम हुआ, और इसके बाद फिर आपका एक वचन हुआ, एक वचन। देखिए इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, यहां पर लिखा हुआ है ही सी इट। अब इसमें कहा जा रहा किसी का नाम, तो हमने एक नाम जो है लड़के का रख दिया राम, एक नाम सीता लड़की का रख दिया। अब इसमें केवल किसी का नाम में लड़का और लड़की का ही नाम नहीं होगा, एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई निर्जीव वस्तु हो, जैसे ट्रेन है, जैसे कुर्सी है, बेंच है, पंखा है, वो सारी चीजें, यानी हर एक चीजें, संसार की समस्त चीजें, इनको मैंने किसी का नाम एक शब्द दिया है। और इसमें हमने एक इशारे से समझा दिया कि एक तरफ मान लीजिए कोई मेल है उसका नाम रख दिया गया, और एक तरफ फीमेल, लेकिन इसमें कोई भी चीज आ सकता है, कोई जरूरी नहीं किसी आदमी का नाम ही हो, वो वस्तु का भी नाम हो सकता है, सामान का भी नाम हो सकता है, कुछ भी। और इसके बाद एक वचन कहा जा रहा है, तो एक वचन का मतलब है जैसे एक लड़का मान लीजिए है द बॉय, द गर्ल, ये दोनों एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है, तो एक साइड में हमने 7 लोगों को रखा और बाकी आई वी यू दे। अब यहां देखिए दूसरा है आई वी और इसके बाद यू, इसके बाद दे है, और इसके बाद आपका जैसे बॉय एक वचन था, तो अब हम यहाँ पर बहुवचन रख रहे हैं, बहुवचन। तो बहुवचन में जैसे आपका द बॉय एक वचन है, द गर्ल एक वचन है, तो इसी का हो जाएगा द बॉयज हो जाएगा, और इसके बाद बॉय से बहुवचन बनाएंगे बॉयज, और गर्ल से बहुवचन बनाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। तो सब मिला करके ये 13 कर्ता है, संख्या में 13 लोग हैं। अब एक बात यह है कि कर्ता क्या होता है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता क्या है। तो देखिए कर्ता का मतलब यह है जो काम करता है। अब जैसे इसमें से मान लीजिए हम किसी को भी ले लें, जैसे ही माने क्या होता है, वह, अब ही मीन्स वह हुआ, तो कोई ना कोई वह काम करेगा, जैसे वह खेलता है, अब देखिए वह खेलता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वह एक व्यक्ति है और वह काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, जो काम कर रहा है, यानी कि आपका ये जो वह आया यही बना कर्ता, और जिसको आप अंग्रेजी में पर्सन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर्सन। तो पर्सन, जहां तक पर्सन का सवाल है, अब पर्सन को अगर आप देखा है तो ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं। तो तीनों पर्सन को सबको मिला करके हमने इसका 2 कैटेगरी रखा है, और 2 कैटेगरी इसलिए रखा है क्योंकि टेंस के आधार पर इनको हमने 2 कैटेगरी बांटा है। आगे चल करके आपको ये टेंस के आधार पर 2 कैटेगरी सुटेबल है, ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि कर्ता वह है जो कोई ना कोई कार्य करता है, और दूसरी बात यह है कि यह प्रायः वाक्य में पहले आ जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो ये था आपका सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में, जो संख्या में 13 हैं, और इनका डिवीजन हमेशा आप याद रखेंगे 7 और 6 का डिवीजन इसमें मैंने किया हुआ है। हालांकि कुछ टेंसेज हैं ऐसे
जो आगे चल करके फिर कर्ताओं का डिवीजन बढ़ जाता है। एक जगह ऐसा भी आता है जहां पर 8 और 5 का हो जाता है, तब मिला के 13 हो जाएंगे। कहीं ऐसा भी आता 2 और 11 का हो जाता, तो वो सब आगे हम बताएंगे जैसा जैसा टेंस आएगा। लेकिन मैक्सिमम 7 और 6 का जो कैटेगरी है यही चलता है, 7 और 6 का डिवीजन ज्यादातर चलता है। अब आइए दूसरा पॉइंट हम समझाएंगे, ये आपका हो गया कर्ता के बारे में। अब दूसरा पॉइंट हम आपको समझाएंगे क्रिया क्या होती है। क्रिया देखिए लिखा हुआ है, 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, पहला है सहायक क्रिया, दूसरा है मुख्य क्रिया। तो पहला जो सहायक क्रिया है यह क्या होता है, इसमें लिखा इज एम आर डू डज इटीसी, यानी कि इसमें बहुत सारी सहायक क्रियाएं हैं। तो अगर हम सहायक क्रियाओं की बात करें, सहायक क्रिया, अब इनको जरा समझ लीजिए, अगर सहायक क्रिया की बात करें तो ये 2 प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं। एक को हम हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया कह सकते हैं और दूसरे का नाम है उत्तम सहायक क्रियाएं, या आप दूसरे को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं, एक शब्द है मॉडल्स। तो एक तो प्राथमिक सहायक क्रिया है, दूसरा मॉडल सहायक क्रिया है। तो प्राथमिक में जो है जैसे इज एम आर वाज वर आ गया, डू डज डिड आ गया, ये सब प्राथमिक में आते हैं। यहाँ जितना लिखा सब प्राथमिक है, ये प्राथमिक सहायक क्रिया है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इटीसी जितने भी हैं ये सब आपका प्राथमिक है। और मॉडल्स में 13 संख्या में भी 13 लोग आते हैं, जिसमें मान लीजिए आपका जैसे कैन आ गया, जैसे मे आ गया, जैसे आपका विल आ गया, सेल आ गया, फिर आपका वुड शुड आ जाएगा। इस तरीके से ये संख्या में 13 लोग हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं यह भी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो एक तो आपका हो गया सहायक क्रिया, दूसरी बात अब मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया किसे कहेंगे, मुख्य क्रिया का मतलब वो होता है जिसके माने मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का मतलब है जिसके जिससे ये पता चलता है किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जैसे वह खेलता है, तो खेलना एक क्रिया हुआ, एक ऐसा यह काम हुआ, खेलने का काम हुआ, तो यही जो है आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए खेलने की अंग्रेजी हम आप निकालेंगे तो खेलने की अंग्रेजी प्ले होगा, जैसे प्ले माने खेलना। तो इसमें देखिए ये कर्ता हो गया, पहला आपका कर्ता हो गया, और दूसरा आपका जो हुआ वह है आपका मुख्य क्रिया हुआ। अब एक बात और है कि जो प्ले आया, मुख्य क्रिया आया, अब देखिए मुख्य क्रिया के 3 जो है और अनुभाग हैं, या 3 फॉर्म जिसको कह सकते हैं, 3 रूप यानी स्वरूप कह सकते हैं। अर्थात जो ये प्ले है, अगर कोई भी क्रिया हो, चाहे वो प्ले हो खेलता है, चाहे वह मान लीजिए सोता है स्लीप हो, अगर मान लीजिए कहा जाए कि वह हंसता है स्माइल हो या मुस्कुराता है, और अगर हंसता है लाफ हो, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे आपका प्ले है और चाहे आपका स्लीप है और चाहे यहाँ पर आपकी दूसरी क्रिया जो स्माइल है और चाहे आप लाफ लिख रहे हैं, ये जो भी क्रियाएं हैं ये सब के सब मुख्य क्रिया हैं। और मुख्य क्रिया होने के साथ साथ इनके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अगर आप इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, इसको जरा समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आपका जैसे 4 क्रियाओं को अगर हम एक साइड में लिख दें, जैसे मान लीजिए आपका प्ले हो गया, प्ले के बाद आता है स्लीप हो गया, स्लीप के बाद आपका है स्माइल हो गया, और स्माइल के बाद है लाफ है। अगर हम इन 4 क्रियाओं को लिख रहे हैं और इसको मान लिया जाए कि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो अब इसके 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। तो अब सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, और जब स्लीप का बनाएंगे तो स्लेप्ट हो जाएगा, और जब स्माइल का बनाएंगे तो स्माइल्ड हो जाता है, और जब आप लाफ का बनाएंगे तो लाफ्ड हो जाता है, लाफ्ड। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड फॉर्म हुआ। अब अगर थर्ड फॉर्म बना रहे हैं तो प्लेड जैसे सेकंड है वैसे ही आपका थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, स्लेप्ट का स्लेप्ट होता है, और इसके बाद आपको स्माइल का स्माइल्ड लिखेंगे जो सेकंड थर्ड समान है, और लाफ्ड का भी वही होगा, लाफ्ड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें मैक्सिमम सभी क्रियाएं जो सेकंड है यही आपका थर्ड भी बन जा रहा है। तो इस तरीके से एक चीज यह ध्यान रखना है कि एक तो जो मुख्य क्रिया होती है उसके माने कोई ना कोई एक्शन या कार्य होता है, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। और जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं उन सभी मुख्य क्रियाओं के 3-3 रूप होंगे, एक का नाम फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। तो जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो ये 3 फॉर्म भी आपको याद रखना होगा कि 3 फॉर्म
कब और कहां कैसे लगाए जाएंगे इसके बारे में आपको आगे चल करके नियम बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कोई भी क्रिया होगी उसके तीन महत्वपूर्ण भाग होंगे। तो अब बात आती है किसका, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट क्रिया के बारे में, और तीसरा जो पॉइंट है कर्म के बारे में। अब हम आपको कर्म के बारे में समझाएंगे। अब देखिए तीसरा जो आपका कर्म है यह क्या है, कर्म। तो कर्म में जैसा कि कर्म में दो तरह के कर्म है, एक आपका प्रत्यक्ष कर्म है और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कर्म है। तो जो प्रत्यक्ष कर्म जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, कर्म जो है दो तरह का है, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म, तो अब बात यह है कि जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट और इसको कहेंगे यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका सबसे आसान तरीका है समझना कि जितना भी पहला पॉइंट समझिए, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं ये सब के सब जो होते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितना लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स इन सबको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह जितने निर्जीव चीजें रहेंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो निर्जीव चीजें नहीं है, जो जीवित चीजें हैं, वो सब आपका बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे अब इस चीज को हम एक जो है वाक्य के द्वारा इसे लिख रहे हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अगर कहा जाए कि ही हेल्प्ड मी एक वाक्य है, और इसको हिंदी में कहेंगे कि उसने मेरी मदद की, और दूसरा होगा ही बॉट ए पेन, वो अर्थ देगा उसने एक कलम खरीदा। देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए मी, तो मी माने मेरी, और यह जो है मी आपका लिविंग थिंग्स है, इस नाते यहां जो मी आया यह एक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात यह है ही बॉट ए पेन, उसने क्या खरीदा है, एक पेन खरीदा है, और पेन आपका जो आ रहा है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो बात यह है, यहां देखिए तीन बातें हैं। पहला तो आपका आया नंबर वन पर जिसको आप कहेंगे कर्ता, ये नंबर एक हो गया कर्ता। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला आपका जो है कर्ता बना, पहला पॉइंट आपका कर्ता है, और यहां हेल्प्ड दूसरा पॉइंट जो है ये आपका क्रिया है, क्रिया, और तीसरा जो आया ये आपका कर्म है। और इसी प्रकार यहां पहला जो आया कर्ता हुआ, और दूसरा जो आया ये आपका क्रिया हुआ, और यहां तीसरा जो आ रहा है ये आपका कर्म हुआ। तो अगर ये दोनों ही वाक्य कैसे वाक्य हैं, ये दोनों ही वाक्य अंग्रेजी के वाक्य हैं, अंग्रेजी। तो यहां पर एक बात ये समझना है कि अगर अंग्रेजी का वाक्य होगा, अगर अंग्रेजी वाक्य रहेगा, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, कर्ता आएगा, सबसे पहले नंबर पर कर्ता आएगा, और इसके बाद दूसरे नंबर पर क्रिया आएगा, क्रिया, और तीसरे नंबर पर यहां कर्म दिया है तो ये कर्म होगा। अब दूसरी बात समझिए, अगर आपका हिंदी भाषा हो, हिंदी का अगर वाक्य हो तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। आइए यहां देखिए ही माने हुआ होता है या उसने होता है, तो यहां ही का जो अर्थ आ रहा है हिंदी में
यह भी सबसे पहले आया तो सबसे पहले नंबर वन आया तो एक कर्ता है, तो हिंदी में भी ये कर्ता होगा। परंतु अब हिंदी में देखिए मेरी आ गया, अंग्रेजी में मी यहाँ लिखा है और हिंदी में मेरी यहाँ लिखा है, यानी कि अब क्रिया के स्थान पर कर्म आ जाएगा, कर्म के स्थान पर क्रिया, ये एक दूसरे से ऐसे बदल जाएगा या इधर चलाएगा, यही चीज ध्यान देना है। यहाँ पर आपका ये जो है कर्म इधर चलाएगा, यानी कर्ता के बाद अब आपका हिंदी वाक्य में कर्म पहले आएगा और इसके बाद आपका क्रिया आएगा। तो ये दो फार्मूला आपको मिला, ये दोनों फार्मूला हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि हिंदी का वाक्य रहेगा तो अंग्रेजी के वाक्य हो चाहे हिंदी के, दोनों वाक्यों में कर्ता पहले आएंगे, परंतु अगर अंग्रेजी का वाक्य है तो कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आता है और इसके बाद कर्म आता है, लेकिन हिंदी का अगर वाक्य रहे तो इसमें कर्म पहले आ जाएगा और क्रिया बाद में आ जाएगा। तो यह एक तरह से समझिए कि मूल रूप से ये इसका परिभाषा हुआ। अब दूसरी बात यह है, हम एक और निष्कर्ष निकालते हैं जो बहुत ही अब तक जो आपने इसके बारे में देखा पढ़ा कि एक वाक्य की रचना में तीन चीजें होती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब है काम करने वाला, काम करने वाला, जो काम करने वाला रहेगा वो कर्ता होगा। जैसे उसने ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, तो किसने मदद की है, किसने काम किया है, मदद करने का काम किसने किया, उसने, तो ये आपका कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता काम करने वाला होता है। और दूसरा चीज जो क्रिया है, क्रिया क्या होता है, कार्य होता है। अब देखिए इसमें क्रिया हेल्प्ड है, यानी कि हेल्प्ड माने मदद की, तो जब मदद की यह कार्य हुआ, तो इसलिए क्रिया जो होती है वो कार्य होता है, जिसको अंग्रेजी में आप एक्शन या कोई कोई एक्ट कह सकते हैं या एक्शन कह सकते हैं, एक्शन कोई कोई कार्य होता है। अब तीसरी बात आती है कर्म क्या है। कर्म तो देखिए जो कार्य हो रहा है जिसके लिए हो रहा है, मतलब कोई ऐसा चीज जिसके ऊपर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कार्य जो हुआ किसके लिए हुआ, मेरे लिए हुआ, यानी कि उसने तो कर्ता हो गया, उसने कार्य किया। और हेल्प्ड जो हेल्प्ड है ये क्रिया है, काम क्या किया है कि मदद किया है, और किसके लिए किया है, मेरे लिए किया है। तो ये जो आपका आएगा यानी कि किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए काम किया, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको वास्तव में कर्म ज्ञात करना हो कि कर्म क्या है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, इसी में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या प्रश्न पूछते हैं, किसे प्रश्न पूछते हैं, किसको प्रश्न पूछते हैं, किसको, जैसे मान लीजिए उसने मेरी मदद की तो किसको मदद की, मेरे को, या किसे मदद किया, मुझे किया। और क्या से जो प्रश्न आता है कोई कोई वस्तु आता है, जैसे मान लीजिए उसने खरीदा, क्या खरीदा है, कलम, तो ये थोड़ी पूछा जाएगा किसे खरीदा है, ये नहीं, क्या खरीदा है, तो कलम। तो क्रिया में जो वर्ब होता है इसी में कुछ प्रश्न पूछते हैं, चाहे क्या पूछिए, चाहे किसे पूछिए, चाहे किसको पूछिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्म है ये निकल आता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी वाक्य की रचना के लिए जो एक पूर्ण वाक्य जिसे कहेंगे, पूर्ण वाक्य, यह बात समझिएगा, पूर्ण वाक्य के लिए इन तीनों का होना जरूरी है, कर्ता क्रिया कर्म का होना जरूरी है। लेकिन ऐसे भी वाक्य बन सकते हैं जो शायद सबसे छोटा वाक्य होगा कि अगर उसमें कर्म ना भी लगाया जाए तब भी जो है एक वाक्य की रचना संभव है और एक वाक्य बन जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए सीधे सीधे दो लोग हैं, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो ये आपका केवल दो चीज आया, एक तो कर्ता दूसरा क्रिया। अब जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ केवल दो चीज कर्ता और क्रिया। जैसे तुम देखते हो, तो यहाँ केवल दो चीजें हैं, कर्ता और क्रिया। कम से कम एक वाक्य की रचना के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है, कर्ता और क्रिया कम से कम चाहिए, तब वो वाक्य बन पाएगा और यही सबसे छोटा वाक्य होगा। दूसरी बात यह है, अब हमें कर्म की क्यों जरूरत है, क्योंकि इतने छोटे छोटे वाक्यों से काम नहीं चलेगा, इसलिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम इसमें कर्म बढ़ा देंगे। कर्म कैसे बढ़ाएंगे, जैसे वह खेलता है तो क्या खेलता है, मान लीजिए इसमें हमको कर्म जोड़ना हो तो हिंदी का वाक्य है और कर्म आपका बीच में आता है हिंदी के वाक्य में, तो बीच में कोई चीज रख लीजिए। जैसे मान लीजिए हॉकी, अगर यहाँ हम हॉकी लिख दें, यानी कि वह हॉकी खेलता है, तो अब एक एक कर्म आ गया।
और मैं पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, अखबार तो ये कर्म आ गया। तुम देखते हो, तुम फिल्म देखते हो, यहाँ जो फिल्म आया ये आपका कर्म बन गया। तो सबसे छोटा वाक्य आपका बनेगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कहा गया कि वह है, वह है, वह वह हॉकी, वह हॉकी खेलता है, खेलता है। तो अब जरा ध्यान देना आप, वह हॉकी खेलता है, तो इसमें तीनों चीजें आई, यानी कि सब्जेक्ट भी आया, हॉकी कर्म भी आया, और ये आप देखिए क्रिया भी आया, यानी कि कर्ता कर्म क्रिया तीनों आया। और यही सबसे छोटा वाक्य है, सबसे छोटा कह सकते हैं और पूर्ण वाक्य कह सकते हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो पूर्ण वाक्य है और सबसे छोटा वाक्य है। अब इससे छोटा वाक्य पूर्ण वाक्य का नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप इसमें से इसको हटा दीजिए, हाकी को हटा दीजिए यहाँ से, तो सबसे छोटा वाक्य कर्ता और क्रिया का केवल यह बन सकता है कि वह खेलता है। और जब आप सबसे छोटा वाक्य बनाएंगे जिसमें कर्म भी आ जाए तो ये बन सकता है। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चलता है, और भी वाक्यों की रचना होती है, और ये वाक्य जो है और बढ़ सकते हैं, बढ़ते जाते हैं। और वाक्य का एक्सटेंशन, वाक्य का जो विस्तार है, केवल हम इसी कर्म के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके से हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कर्म को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, उसका भी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पहला वाक्य लिखा है कि वह खेलता है, तो इसमें केवल दो चीजें हैं, और ये केवल दो चीजें इसमें हैं, और ये सबसे छोटा वाक्य हुआ, सबसे छोटा। दूसरा देखिए, वह हॉकी खेलता है, तो इसमें तीनों चीजें हैं, यानी कर्ता क्रिया कर्म, और सबसे छोटा वाक्य हुआ, सबसे छोटा। परंतु अब हम वाक्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम इस वाक्य को आगे बढ़ाएंगे तो यही जो कर्म इसका है ना, जैसे हॉकी कर्म है, इसी कर्म के द्वारा ही हम वाक्य को बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ेगा, वह खेलता है तो वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी प्रतिदिन खेलता है, तो इसमें देखिए प्रतिदिन बढ़ गया, और फिर वह हॉकी अपने मित्र रमेश के साथ प्रतिदिन खेलता है, इसमें इतना बढ़ गया। अब देखिए, वह हॉकी अपने मित्र रमेश के साथ साथ प्रतिदिन सुबह सुबह 9 बजे मैदान में खेलता है। तो कहने मतलब इस वाक्य का विस्तार जितना चाहे हम कर सकते हैं, केवल एक चीज देखना है, ध्यान देना है, इसमें दो चीजें नहीं बदलती हैं। नंबर एक, कर्ता नहीं बदलता, वही रहता है, और दूसरा जो क्रिया है वही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन कर्म में बहुत कुछ सारे शब्दों को जो हम लगाते हैं वो सब कर्म होते हैं, और हिंदी के वाक्य में वो सब बीच में होते हैं, इसीलिए ये पहचान है। सबसे पहले जो आपका आएगा वो कर्ता आएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले आपका नंबर वन कर्ता है, और नंबर दो जो आपका सबसे अंत में आ रहा है, ये नंबर दो क्रिया होगी, और बीच में जितना लोग आएंगे सब कर्म होंगे। और जब आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो यही चीज ध्यान देना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कर्ता, इसके बाद क्रिया लिख देना, वर्ब लिख देना है, और प्लस कर्म आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब जैसे मान लीजिए वह है, तो वह के लिए ही लिख देंगे। अब जैसे खेलता है, इसके लिए आप प्लेज लिखेंगे या जोड़ेंगे, इसमें प्लेज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा है ये बात आती है, तो वह अब यही से हॉकी खेलता है, सीधा हॉकी लिखिए ना, लिखा हुआ है हॉकी हो जाएगा। अब आगे करा अपने मित्र रमेश के साथ, तो विथ लिख दीजिए, और विथ हिज फ्रेंड हो जाएगा, विथ हिज फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा, और इसके बाद रमेश कर दीजिए, रमेश हो गया, और इसके बाद यहाँ कॉमा हो जाएगा, फ्रेंड रमेश, और प्रतिदिन लिखा हुआ डेली लिख दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, आप इसमें जैसे जैसे कर्म आया हुआ है बाद में कर्म जोड़ते चले जाए, लेकिन दो चीज हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, और इसके बाद आपको क्रिया लिख देना है। अंग्रेजी में यही महत्वपूर्ण बात है, और बाद में आपको बीच वाले जितने शब्द बच रहे हैं जो कर्म हैं इनको बाद में लिख देना है। तो देखिए, हमने आपको ये बता दिया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और ये छोटे से छोटे वाक्य को लेकर के और कितना बड़ा तक हम बना सकते हैं, ये बात आपने देख लिया। दूसरी चीज ये है, हम आपको अब जो टेंस चालू करेंगे, उस टेंस में चालू करने से पहले एक बात और समझाएंगे कि जैसे कोई भी टेंस हो तो उसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव, चार तरह के और उपवाक्य होते हैं, ये जानना आपको जरूरी है। चार तरह के एक तरह से वाक्यांश होते हैं, या यह कह लीजिए किसी भी वाक्य के चार स्वरूप बनेंगे। यहाँ जितने वाक्य लिखे गए हैं इन सभी वाक्यों के चार चार स्वरूप बनेंगे, और इसकी चर्चा हम आपको टेंस में जब पहला टेंस चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वहाँ विस्तार से आपको बताएंगे कि चार स्वरूप वाले जो वाक्यांश हैं कैसे होते हैं,
और उसमें भी दो तीसरा यानी कि इंट्रोगेटिव और चौथा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनके दो दो होते हैं। इस प्रकार किसी भी टेंस का कोई भी वाक्य होगा वो छह छह लाइंस बनाएंगे, छह तरह के वाक्य होंगे, और वही छह प्रकार के वाक्यों को लिखना अगर आप जान गए तो वही सारे टेंसेज में चलते हैं। तो उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। तो और अगर कोई पॉइंट आपको इसमें छूटा हुआ लग रहा है अथवा आपको संदेह लग रहा है तो आप पुनः इस वीडियो को देखिए और समझिए। और इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका मेंशन कर सकते हैं और उसका जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज आपको टेंस संबंधी बना रहा हूँ ये आप तक पहुँच सके और सबसे पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।